आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर शादी करने के नाम पर एक युवती ने युवक को ठगी का शिकार बनाया है। उक्त युवती और उसकी तथाकथित मां ने अपने आप को पीड़ित बताकर झांसे में लिया। युवक का परिवार जब उसके झांसे में आया तो शादी का लालच दे दिया। फिर क्या था, तुलसी विवाह के दिन लड़की शादी करने के लिए तैयार हुई तो वर पक्ष के लोगों ने ओली डाल दी। ओली में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का सामान जैसे ही मिला, युवती ने मोबाइल बंद कर दिया, जिसके बाद वर पक्ष के द्वारा मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तब वर पक्ष को जानकारी हुई कि वह ठगी का शिकार हो गए। हम हमारे गांव के जो यादव जी हैं, उनको ये लेडीज मिली थी हॉस्पिटल में, तो बोली हमारे लड़की बच्ची की शादी करना है। हमारे गांव वाले मतलब लड़के लोग मार्क निकाल दिए थे, तो हम लोग यहाँ 10 साल से यहाँ रह रहे हैं बस स्टैंड में, तो हमको हमारी लड़की को ठिकाने लगा लीजिए। हम लोग आए तो यहाँ भैया से बात हुई, यादव जी बात करवाए कि शादी कर लो, हाँ शादी कर लो, तो भैया बोले ठीक है। इसके बाद हमको भेजे दूसरे दिन देखने के लिए, तो देखने जब आए तो बोली कि हमारी तरफ से मंजूर है, शादी मंजूर कर लिए। दूसरे दिन फोन लगाई, बोली कि आप लगन पत्र के बनवाओ, हम शादी कर लेते हैं। तो बोली इसके बाद बोली कब कर लेंगे, तो बोलती है यही एकादशी को। तो एकादशी को फिर भैया बोले कि लगन बनवाते हैं, तो लगन 27 तारीख को बनी। इसके बाद ये बोली कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने इसके लड़की के मामा के यहाँ। तो मामा के यहाँ गई तो दूसरे दिन बोलती है मेरे को 30 हज़ार रुपये चाहिए, 30 हज़ार रुपये दे दो, इसके बाद शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया हमारे मना कर दिए। तो बोली 1 घंटा बाद हम बताते हैं, 1 घंटे बाद बताई, बोली पैसे का व्यवस्था हो गया है। इसके बाद बोली आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से 5वें दिन आई यहाँ, तो बोली मेरी जहाँ रहती थी वहाँ बोली रूम मालकिन जो है परेशान कर रही है कि यहीं हमारे भाई के साथ शादी करो, नहीं करने देंगे शादी, गाली वाली दे रही थी। इसके बाद उसका रूम हम दूसरे दिन चेंज करवा दिए। अब जब इस रूम में आए तो बोली अब ओली भी डालो, पहले तो बोली कि दिन ओली डालो, अब हम रात में तिलक लेके आएंगे दूसरे दिन 24 तारीख को। 24 तारीख को फिर सुबह जब बोलती है तो बोलती है कि दिन में लेके आएंगे, और यहाँ शाम को ओली डली, ओली डली कल रात, हाँ 7 बजे। ओली डलने के बाद ये लोग को भैया लोग जब वहाँ से रवाना हुए तो शाम को 7:30 बजे करीब बात हुई उससे कि हमारी ओली पड़ गई है, इसके बाद फ़ोन बंद कर दी। तो आपकी बात हुई कल शाम को, हाँ भाई ये लोग के जाने के बाद किराए से रूम में रह रहे थे वहाँ, आप लोग हाँ, गए क्या हुआ? वहाँ हम लोग गए, फ़ोन किए उसको, सेठ को फ़ोन नहीं लग रहा था, तो सेठ को फ़ोन किए तो बोला 1 घंटे से बताता हूँ। 1 घंटा बाद बोला, फ़ोन किया तो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, रूम खाली है। मैं इसके बाद फिर मैं उसको फ़ोन किया सुबह, तो बोलता है मेरे को भाड़ा भी नहीं दिया है और खाली करके चले गए। क्या लगी क्या सब क्या ये लोग घपला किए ना हम लोग का पैसा लेके फरार हो गई। क्या क्या सामान आपके कल आप लोग ये ओली में कल हमारे भैया लोग ओली में डाले हैं, साड़ी डाले हैं और महाराष्ट्रियन डाले हैं 2 ठो, और कान का झुमका डाले हैं। लगभग कितने सामान है? लगभग 25-30 हज़ार का। दरअसल समान थाना पहुंचे अशोक तिवारी निवासी जुड़मनिया ने बताया कि एक गांव के यादव के माध्यम से लड़की से संपर्क हुआ, लड़की उसे शादी करने की बात कही, 30 हज़ार रुपये नकदी मांगी। जब उसने नकदी देने से इनकार किया तो ओली के नाम पर झांसा देकर सामान एकत्र किया और माँ बेटी फरार हो गई। पीड़ित युवक ने पूजा तिवारी नाम की युवती का वीडियो फोटो भी मीडिया को उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि ठगी का शिकार अशोक तिवारी जुड़मानी का रहने वाला है, जबकि लड़की रीवा में किराए का मकान लेकर रहती थी, जहाँ से मकान खाली कर अब रफो चक्कर हो गई है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।